देखिए ये सत्य की विजय है। पिछले दो साल से बार बार झूठे आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, सैकड़ों अफसर लगाए गए, हजारों रेड हुए, लेकिन एक रुपए का भ्रष्टाचार नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा कि मनी ट्रेल कहाँ है। अगर एक पैसा नहीं मिला है, एक रुपया नहीं मिला है, तो सारे आरोप झूठे हैं। और ईडी को अपनी बेल की ऑपोजिशन को वापस लेना पड़ा और ईडी को कहना पड़ा कि हम बेल का ऑपोजिशन नहीं करते। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीद से भरे हुए हैं, तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में उम्मीद के साथ लगे हैं। संजय सिंह ने बाहर निकलकर बात की कि जस्ट इस संघर्ष का समय है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बाहर निकले, बाहर नारे लग रहे थे कि जेल के ताले टूटेंगे, संजय सिंह जी उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। देखिए बिल्कुल ये जश्न का माहौल नहीं है, ये संघर्ष का माहौल है। जब तक हमारे पार्टी के बाकी नेता, हमारे बाकी साथी जेल से नहीं निकलते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी जेल से नहीं निकलते, मनीष सिसोदिया जी जेल से नहीं निकलते, सत्येंद्र जैन जी जेल से नहीं निकलते, विजय नायर जी जेल से नहीं निकलते, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। जब सब लोग आ जाएंगे तब जश्न ही जश्न होगा। आगे क्या कुछ बदलेगा, क्योंकि पार्टी भी चुनौती की तरफ बढ़ रही है, आपके टॉप लीडर ऐसे काम करते हैं। देखिए संजय सिंह आम आदमी पार्टी के शेर हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ दहाड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को ये याद रखना है कि शेर वापस आ गया है, अब उनका भी समय आ गया है। देखिए सच की जीत हुई है, जो बात लगातार हम दो साल से कह रहे थे कि इसमें चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई और हमारे नेताओं की इतनी रेड के बाद भी एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात की, जब कोई मनी ही नहीं है तो मनी ट्रेल का कोई प्रमाण ही नहीं मिला है तो संजय सिंह जी को हिरासत में रखने का कोई मतलब ही नहीं होता। पर हमारा संघर्ष जारी है, अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी को भी झूठे केसों में भाजपा ने फंसाया है, बयानबाजियों के आधार पर भाजपा ने फंसाया है और अब भाजपा का झूठ एक एक करके ढेर होता जाएगा। पहले तिहाड़ जेल से निकल के संजय जी यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी से मिलेंगे, फिर पार्टी दफ्तर आईटीओ में जाएंगे और वहां पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।